गुजरात कार्यक्रम में के ज्या मीनाक्षी लेखी बन्या छे मेहमान। सबकी तरफ से और दूसरे ये भी कि ये पंछी जो हमको दिखाई दे रहे हैं यहां, ये बहुत कुछ कहते हैं। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये दिखाते हैं हमारे हमारे ये प्रवासी गुजराती कि अगर दिल में हौसला है और बाज के साथ आगे जाने का इरादा है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। लेकिन पंछियों के बारे में यही ये कहा जाता है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो ये जो प्रवासी गुजराती यहां से गए, वो वापस अपने देश में आकर, अपनी मिट्टी में आकर ही वो सुकून पाते हैं जो असल में उनको चाहिए होता है, या फिर अपने दिल में वो मिट्टी की महक लिए हुए वहां होते हैं जहां होते हैं। और हिंदुस्तान, जैसा मीनाक्षी लेखी जी को मैं अक्सर सुनता हूं कि इट इज फॉर द ग्लोबल गुड दैट वी डू थिंग्स फॉर, और ये भी कि हिंदुस्तान एक ऐसी शक्ति रही है जिसको सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रेकन किया जाता रहा है, तो वो जो मिट्टी की महक है वहां सुगंध ये फैलाते रहते हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करें और ये समझें कि हमारे इन संस्कृति वाहकों को, हमारे इन कल्चरल एम्बेसडर्स को, हमारे इन गुजराती प्रवासी भाइयों बहनों को और मजबूती देने के लिए हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है। और शुरुआत करूंगा ईश्वर की प्रार्थना के साथ, क्योंकि यहाँ तमाम वो विद्वत जन बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें यही संस्कार दिए हैं कि बगैर उस कनेक्टिविटी के, बगैर उस कनेक्शन के सारा मामला अंधियारा ही है। यन मंगलानाम च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम। जिनके ध्यान से ही सब कुछ सुमंगल हो जाता है, उनके ध्यान के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रवासी गुजराती भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, गणमान्य लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने डंका पीटा है हिंदुस्तान का बाहर की जमीन पर जाकर। अभी तक जो किया गया है वो सराहनीय है, एलएम सिंघवी साहब की कोशिशों से लेकर यहाँ तक आज जो हमने किया वो वाकई ये दिखाता है कि हम अपने प्रवासी भाई बहनों को लेकर गंभीर हैं। लेकिन इसको लेकर आगे और क्या किया जा रहा है? देखिए, ये तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब से प्रवास शुरू होगा तो वापस आना भी शुरू होगा, मन में ऐसा ही रहेगा। और जब एक मुश्किल आएगी तो उसका हल निकलेगा, और जब बाकी मुश्किलें आती रहेंगी तो उनका हल निकलता रहेगा। तो ये तो अनंत प्रवाह है, और इस अनंत प्रवाह का जो समय है वो निश्चित करना, संख्या निश्चित करना या प्रश्न निश्चित करना, वो असंभव है। ये तो चलने वाली चीज है जो चलती रहेगी, चलती रही है। और जब भी समय की तुलना होती है तो हम लोग कभी पिछले 75 वर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक्टिव मेमोरीज हैं उसमें 75 वर्ष इंगित है, लेकिन जो इंगित नहीं है वो कई हजार वर्ष है। तो उन हजारों वर्ष को भी याद करें तो हमारा ये प्रवाह हमेशा चलता रहा है और आगे चलता रहेगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग लिटिल इमोडेस्ट, आई विल से द सेम दैट यस, वी आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एंड एज प्रीवियस स्पीकर्स हैव ऑलरेडी सेड दैट वी हैव डिथर्ड ऑल्सो एट टाइम्स, एंड टाइम टू कम बैक कीप्स कमिंग बैक। कि अपने अपने मुद्दे से, अपनी चीज़ों से हम भटके भी हैं, और जब भटके हैं तो वो भी समय आता है कि हमें वापस अपनी चीज़ों पे जाने का भी समय आता है। तो ये लगातार होने वाली फ्लक्चुएशन है, और कोशिश यही कि हम उभरते भी रहें, बढ़ते भी रहें और जुड़े भी रहें। दोनों परस्पर विरोधी सुनने में लगता है, लेकिन वो परस्पर विरोधी है नहीं, क्योंकि ये संभव है।